ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के बागी उम्मीदवार रविंद्र मान दोनों ही उम्मीदवारों के लिए चुनौती बने हुए हैं। रविंद्र मान ने अपने हरोली की जनता को साथ लेकर रोड शो निकाला। इस रोड शो में गाड़ियों का हुजूम उमड़ पड़ा। करीब 30 किलोमीटर तक ये रोड शो चला। रविंद्र मान ओबीसी समुदाय से आते हैं और हरोली में सबसे ज्यादा वोट बैंक ओबीसी समुदाय का ही है। दोनों बड़े दल कांग्रेस और बीजेपी भी इन जातियों पर ही अपना दाव लगाकर जीत हासिल करते आए हैं, पर इस बार मान ने आकर दोनों का समीकरण बिगाड़ दिया है। मान हरोली में रोजगार और ड्रग्स का सफाया करने को लेकर मैदान में उतरे हैं और जीत का दम भर रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, काफी ज्यादा जोश है उनमें, क्योंकि उनके पास पहले कोई तीसरी ऑप्शन नहीं थी, अब उनके पास तीसरी ऑप्शन आ गई है, जिसके कारण लोगों में बहुत ही ज्यादा उत्साह है और मुझे पूरा मतलब विश्वास है कि लोग मेरे ऊपर भरोसा करेंगे। किस ताकत को लेकर के? मेरे पास जनता की ताकत है, हरोली के वोटरों की ताकत है। आपको पता है, जो इंडिपेंडेंट खड़ा हो, एक आजाद कैंडिडेट हो, उसके पास कौन सा स्टार प्रचारक होगा? कोई भी नहीं। मेरे स्टार प्रचारक हैं मेरे जो हरोली के लोग हैं, हरोली की जनता, हरोली के वोटर, ये मेरे स्टार प्रचारक हैं। लोगों की सबसे ज्यादा समस्या है नौकरी की, और जो विकास की बात करें, विकास ना हमें दिख रहा है ना उनको दिख रहा है। जिसको खाने के लिए रोटी नहीं है, जिसके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, अगर उसके टोबे बन गए या रेन शेल्टर बन गए, किसी को कोई फायदा नहीं होगा जब तक उसका पेट मतलब भूखा है, जब तक वो और उसके बच्चे जब तक भूखे हैं। हम इसमें मुद्दे को लेकर चल रहा हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा, सबसे पहले जो हमारे हरोली के बच्चे हैं, इन सबको रोजगार दिलवाऊंगा। तो तनख्वाह नहीं मिली, और कौन से हजारों को दिया गया, किसी को भी? आप देख सकते हैं इंडस्ट्री में, आप देख लीजिए, कम से कम मतलब 65-70% है जो बाहर के हमारे मजदूर हैं, हमारे हरोली क्षेत्र के नहीं है। हिमाचल के भी कम है, बाहर से ज़्यादा है, कोई बिहार यूपी से। मैं नहीं कहता किसी को नहीं देना चाहिए रोजगार, देना चाहिए, पर हमारे वाले, हमारे, हमारी जमीन है, हमारी जमीन में इंडस्ट्री लगी है और हमारे लोगों को ही रोजगार नहीं है, तो ये गलती किसकी है? तो मैं तो सोचूंगा ये तो बहुत बड़ी नाकामी है अब हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर की, जो इसी क्षेत्र के हैं, तब भी उनसे मतलब हमारे क्षेत्र के लोगों को नहीं रोजगार दिला पाए।